गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ गाइज। तो आज गाइज हम आश्रम हैं सुबह सुबह, और आश्रम में हमने कार्तिक की पूजा करी। और कार्तिक पूजा आंटी जी मिल गई थी मुझे, दो तीन आंटी थी वो पूजा करी थी, तो मैंने भी उन्हीं के साथ पूजा कर ली, बहुत अच्छा लगा। और गाइज मंदिर में इस टाइम हो रहा है हवन, कि कल एक काशी थी तो आज ही कोई फैमिली आई हुई है और उन्होंने काशी का उद्यापन करा, कल तुलसी जी की शादी कराई और अब उनका भंडारा है और हवन हो रहा है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस यहाँ भंडारा, यहाँ पर भंडारा होगा अभी और ये लोग हवन कर रहे हैं, और हमने यहीं तुलसी जी की कथा करी और पूजा करी। लेकिन रजाई में सुन लगा मन नहीं कर रहा है इनका, ब्रश कर लो, तैयार हो जाओ। ये देखो सुबह सुबह से ब्रेड पकौड़े की लगी हुई है। काफी कमला नगर कितना अच्छा, फ्री में लकड़ी भंडारा लग रहा है। मुझे देखो मैं आई एम वेरी इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है पता है आपको? वेरी इनोसेंट। किसान लाल क्वार्टर, लाल क्वार्टर वो चांदी राम जी को जानते हैं? चांदी राम जी चावला जी, वो तो बहुत मशहूर है। जागीर राम ने इधर रूम बनवाए हुए ना। अच्छा अच्छा, वजह बहुत मशहूर। अच्छा उन्हीं के उससे आई हूँ आप? हाँ हाँ। अच्छा नहीं, नाम सुना नहीं मैंने। इधर भी पूछना है सबको, मतलब सबको पता है चांदी राम चावला बहुत मतलब। अच्छा क्या आप मेरे हस्बैंड को बताओ? हाँ हाँ उनको बताओ भाई, उनका चंद्र नगर में ही, कृष्णा नगर में लाल क्वार्टर के वही मकान। हम फ्राइडे को आए थे। अच्छा तो फ्राइडे को यहाँ पूरे दिन स्टे किया क्योंकि कार्तिक नहा रही हूँ, तो फिर सुबह मैं नहाई भी, फिर शाम को बत्ती वगैरह भी जलाई, अगले दिन सुबह सुबह निकले हम। अच्छा फिर जोशी मठ हमने स्टे किया, फिर आगे अगले दिन बद्रीनाथ जी गए, और कल बद्रीनाथ जी से सीधा आ रहे हैं यहाँ पर। अब वापस जा रहे हो दिल्ली? अब बच्चों का मन भर गया कि अब चलो घर। गाड़ी से हाँ जी। वैसे हाथ से तीन चार दिन से ज्यादा नहीं रुका जाता, नहीं रुका जाता बाहर, अपना घर ही अच्छा लगता है। हाँ ये है। चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आंटी जी। आपके उससे मैंने मातम सुन लिया आज, 5 दिन से मातम नहीं सुना था मैंने कार्तिक जी का। ना तो लेती थी सुबह 5 बजे उठ के जहाँ बजे, लेकिन ना तुलसी जी मिलती थी ना वो। अच्छा वो ऐसे ही होता जब साथ होता था इंसान का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है आंटी जी। जय श्री कृष्णा महाराज जी। ये हो रहा है हवन कानपुर में। जय भोलेनाथ, हवन हो चुका है यहाँ पर। चलते हैं दिल्ली, और बजे अब 8:30। चलो बैठो बच्चों। जय श्री कृष्ण। सब लाए, सब डाल दिए थे, सब बहुत लगा, सब लोग हैं, रख दिए मैंने, रख दिए पीछे, रख दिया मतलब वहाँ पे। गाइस हम निकल रहे हैं आश्रम से। बंदा कहीं भी घुमाए लेकिन अपना घर याद आता है, घूम फिर के अपना घर ही अच्छा लगता है।
और परी जी आप बोलो, आपको क्या याद आ रहा है, क्या मिस कर रहे हो आप? मम्मी पापा। तीन डोरा का पांच मिनट। मतलब हम कौन है आपके? नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे आना रही है। ऐसे कैसे? सच्चाई बोल दी, सच्चाई बोल दी, सच्चाई बोल दी। इसको तो आती आती है, सही गाड़ी भाई, सच में गाना। इमोशनल लड़का हमारा। तो गाइस हम रुके गांव में, यहाँ बन रहा है ताजा ताजा गुड़, देखते हैं गुड़ और लेते हैं थोड़ा सा गुड़। अच्छा लगता है सर्दियों में, अच्छा भी होता है खाना। तो गुड़ दिखाते हैं वो कैसे बनता है, आपने देखा तो होगा लेकिन मैं देख रही हूँ, आप भी देख लो। गाइस यहाँ बन रहा है गुड़ ताजा ताजा। अच्छा जी ये गुड़ की वो है, ये तो मसाले वाला है ना भैया? बिना मसाले का है, मसाले बिना मसाले की तो भैया वो होता है काला काला। अच्छा हाँ गरम गरम बन रहा है, देखिए गाइस वो अभी हो रहा है। हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देने किलो देखिए गाइस, ये प्रोसेस होता है गुड़ बनने का। भैया आपको डर नहीं लगता है गरम गरम? डर नहीं लगता आपको गरम गरम से हाथ वाथ जल जाए? हाँ ये गंदा, फिर उस इसका मैल इसमें, उसका उसमें, सबसे साफ हुआ है ना। चाय पी लो आप, बस भैया पियो। ये देखिए गाइस गुड़ बनता हुआ, उबलता हुआ, देख के इधर लग रहा है इतना उबलता हुआ। इसकी मैली सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है भैया? पिछला तो फिर इसमें नहीं खड़ता है। हाँ इसमें दोनों पकता है। अच्छा फिर लास्ट वहाँ जाता है, लास्ट वहाँ जाता है। हाँ फिर उधर से वहाँ चलते हैं, वहाँ ठंडा होगा, कैडा होता चल जाएगा। कैसे निकालते उसमें? उधर से ही अच्छा जी। मसाले में क्या मिलाते हैं? मसाला ये है मसाला भैया, है ना? फिटकरी होती होगी? हाँ जी हाँ, फिटकरी। फिटकरी से तो साफ होता है भैया। हाँ जी। और ये मसाला, ये मसाला डालते हैं। हाँ। मतलब वो देता है गुड़। हाँ जी। चमकीला सा बन। हाँ, जाता है, रंग आ जाए। है? रंग आ जाता है, रंग आ जाता है, बस ये है। नुकसान थोड़ा करता कोई मसाला? नुकसान थोड़ा करता, और वो चाय बना चाय। हाँ चाय तभी फटती है, पानी वाला मसाला नहीं गिरा तो चाय। अगर हम काले वाले गुड़ से बनाएंगे तो नहीं फटेगी चाय? नहीं बिल्कुल नहीं फटने की गारंटी। हाँ उससे फट जाती है, हमने क्योंकि भैया गुड़ की चाय इतनी अच्छी लगती है ना। हाँ, मसाले वाले फट जाए। गुड़ की चाय इतनी अच्छी लगती है लेकिन हम डालते हैं फट जाती है। हाँ, उसमें मसाला होगा। अच्छा ये है, ये मसाला लगा उसमें, बिना मसाला कौन सा बोला? हमें बिना मसाले के देना भैया गुड़, वही लिया वही लेंगे। हम दिल्ली से आए हैं, देखा ना बनते। देखिए भैया पीछे देखे, जल भी आते होंगे वाली, हमें देख के डर लग रहा है। ये डालते हो सही? हाँ जी डालता। पहले ये गन्ने की निकलते है। हाँ हाँ गन्ने का रस भी काम आ रहा है, उसका छिलका भी काम आ रहा है ना। हाँ छिलके से आँच करते हैं ये ताकि गुड़ जले। देखिए गाइस ऑसम है, दौरा कितना आ गया बनना है। ऐसे बनता है गुड़, बढ़ गए हिसाब कर लिए। चल यहाँ से डाले, यहाँ से भैया आँच डालते रहते हैं। भैया आप यहीं बैठ रहते हो? हाँ जी बैठे थे। ऐसे ही डालते रहते हो? ओ माय गॉड ये गन्ने का चुक्कल है, ये गन्ने का छिलका है। यही से आँच होगी तो बनेगा ना बेटा गुड़। जी 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 भट्टी होती है, भट्टी होती है बेटा पूरा ही अंडरग्राउंड वो बॉय सब। ये देखिए गाइस एक मिनट भैया हाथ हटाना। हाँ ये देखिए गाइस
ये भैया यहाँ डालते रहते हैं ये गन्ने का शूज है, हाँ तभी तो तेज होगी, तभी तो बन रहा है गुड़। औसम है सर, सबके काम अपने अपने होते हैं, प्योरिटी रखती है। हैं भैया आ रही है, आप जो है मास्टर आते हैं जाते हैं गुड़ बनते हुए ना, हमें सबके काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बेटा, छोटा हो बड़ा हो, देखो इनका कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग हैं और इतने रिस्की उसमें, तो हमें ये गुड़ मिलता है, हमें पता चलना चाहिए ना हर किसी के काम की अहमियत। हम तो क्या दे लाओ भैया आधा किलो गुड़ दे दो, भैया एक किलो गुड़ दे दो, लेकिन वो कैसे बनता है, कितनी मेहनत है उसके पीछे, है ना। हम फेंक भी देते, ये बच्चों को दिखाना चाहिए हर चीज। मैं गंदा वाला करूंगी, गंदा नहीं है, गंदे वाला क्या, वो एक प्रोसेस होता है, उसको साफ करते हैं बेटा, साफ कर रहे हैं उसको, ये प्रोसेस होता है हर चीज का। वो भी लेने जा रहा है गुड़, पूछ लिया देखिए गन्ना लेके मानेंगे, मान के यार गाड़ी चिपचिप हो जाएगी सारी, ना ना रहने, चिपचिप हो जाएगी, कहाँ डालेंगे। इनका हम यहीं ले आए, इनका मन नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा खा लो, खराब ना हो जाए ना दोपहर को, इसलिए चलो कोई नहीं। ये भाग्य लक्ष्मी देखेगा एक, और एक क्या देखेगा, और तीसरा का पासवर्ड छोड़, और तीसरा क्या देखेगा, अनुपमा, और घर जाना, और घर जाना है, वो लाल कटर घूमे, ये देखो लाल कटर में तो थक गए अब, बस घूम घूम के थके नहीं अभी तुम, है मैं तो थक गई। हम पहुंच गए हैं दिल्ली, अब दिल्ली का जाम देखते हैं कितना है और कितनी देर में हम घर पहुंचेंगे। ये है दिल्ली का जाम, अब तो कोई जाम नहीं मिला था हमें, दिल्ली में आते ही पॉल्यूशन और ट्रैफिक। फाइनली गाइस हमारा घर आ गया है, चलो बच्चे उतरो, उतर गया सामान, अब क्या रहेगा, ये गीले कपड़े ये उसमें रख दो। गाइस हम घर पहुंच गए, इतना सुकून मिल रहा है घर पहुंच के, 5 दिन से बाहर थे ना, मतलब लग रहा था घर चलो, हाँ ये कि कहीं भी जाओ ना अपना घर ही लगता है।
बस अब अपने घर चलो, दो चार दिन भी लगता है अच्छा घूमना फिरना, लेकिन ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा ये। हाँ क्योंकि दर्शन खुले हुए हमारे ना, मंदिर खुला था बिल्कुल खाली था। देखिए गाइस ये क्या, ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म, हमने सामान ऊपर रख लिया है, दो जीने चढ़ गए और ये बच्चों की बुरी हालत हो गई नहीं। 1 बजे आए शाम के 7 और हम 1 बजे आए थे और 1 बजे नील जी ने खाना बना दिया था, हमने खाया ना खाया पिया और सो गए। मैं उठी शाम को 5 बजे, फिर काम किया देखा और मशीन लगा रही है मैंने, और इतने कपड़े हो रखे ना ढेर, ये देखे गाइस, और आधे कपड़े धुल भी चुके हैं और घर सारा फैला पड़ा, अभी तो मैं कपड़े समेट रही हूँ सारे कि कपड़े धुल जाएं एक बार तो सारा काम निबट जाएगा। तो यही होता है गाइस कि कहीं जाओ तो आके डबल काम का प्रेशर हो जाता है, कहीं से आओ तो डबल काम मिलता है, फिर तो कपड़े ढेर हो जाते हैं और घर हम जल्दी जल्दी में फैला के छोड़ जाते हैं, वो संभालना पड़ता है। कोई बात नहीं, एंजॉय भी तो हमें करके आए हैं तो समेटेंगे भी हमें, कोई बात नहीं। लेकिन लिटरली बद्रीनाथ जी के दर्शन इतने अच्छे हुए गए, बहुत ही अच्छे हुए, खुले दरबार दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं कोई कुछ नहीं, हम 5-5 मिनट खड़े हो गए दर्शन करके आए हैं, मतलब इतना रश नहीं था कि कोई हमें हटाए वहाँ से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद आया वहाँ बद्रीनाथ जी जाकर। जय बद्री विशाल जी। और गए जब हर्षू गया, हर्षू परी के साथ चला गया था अपनी नानी के घर, और ओम अपने घर चला गया था, ओम की मम्मी ने खाना बना दिया था उन्होंने, दीदी ने दोपहर का, तो उन्होंने दोपहर का खाना भेज दिया था क्योंकि हम थके हुए थे, तो खाना खा पी के तो हम सो गए थे। और अब उठी हूँ, अब मशीन लगाई है, ढेर कपड़े हो रखे हैं, चलो कोई नहीं धुल जाएंगे अभी, तो देखते हूँ कपड़े सुखा के आती हूँ। हर्षू तो है नहीं आज क्योंकि वो मेरी हेल्प करता है कपड़े धोने में, वो चिमटियाँ लगाता है सारी ना, मेरे साथ लगा रहा था तो थोड़ा सा हाथ बट जाता है, हाथ क्या बट जाता है, बस वो चिमटी लगा नहीं जाता है ऊपर कि मम्मी चिमटी लगा दूँ, बातें करता रहता है तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। गाइस आज वो अपनी नानी के चला गया, अब रात को आएगा, देखते हैं कौन आया, घंटी बजी है। गाइस बजे हैं अब रात की 12 और मुझे कपड़े धोते धोते 10 बज गए थे, फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खा के बर्तन साफ कर रसोई समेटी, और अब मैं फ्री होकर बैठी हूँ थोड़ी देर। तो गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, वैसे बाहर घूमते रहो इतनी नहीं होती, जब घर आके बैठो ना तो सारी थकान ऊपर अपने ऊपर आ जाती है, यह थकान बाद में पता चलती है, घूमते रहो तो थकान नहीं लगेगी। तो चलो गाइस ट्रिप तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा। और हर्षू ये देखो क्या कर रहा है, हाँ सीरीज देख रहा है, जो ये गाड़ी में बोल रहे थे ना हम ये मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहा था। चलो गाइज हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर दिया करना गाइज प्लीज़ गाइज, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना हमारे ट्रिप आपको कैसा लगा, आप बद्रीनाथ गए हैं या नहीं, प्लीज़ गाइज कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और किसने सब्सक्राइब का बटन नहीं दिया है दबाया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।